इस वीडियो में गाइस आपको दिखाने वाले हैं हमारा अब तक का सबसे महंगा पीसी बिल्ड। 6 लाख रुपए का हम लोग आपको यहां पर गेमिंग पीसी बिल्ड बना करके दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। एंड ये तो सिर्फ पीसी है, बाकी इसके अलावा जो इन्होंने पेरिफेरल्स नहीं है उसमें जो स्पेशली इनका मॉनिटर है वो यार काफी जबरदस्त है। तो पीसी के बारे में बात करेंगे, इस पीसी को बिल्ड करेंगे, ऑन कैमरा कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो पेरिफेरल्स है वो भी काफी जबरदस्त है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले गाइस आप लोगों को बताते हैं कि इस पीसी को ऑर्डर कराया हमारे प्रवीण भाई ने, जो कि रहने वाले हैं गुजरात के। तो गुजरात के रहने वाले हैं, 6 लाख रुपए का वैसे पूरा सेटअप होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइसिंग मैं आपको बताता हूं, वैसे अंडर 6 लाख है, 5,85,000 में इनका जो सेटअप है वो पूरा यहां पर जो है हो गया था। ठीक है, तो अब डिटेल में बात करते हैं सभी चीजों के बारे में, पेरिफेरल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पीसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग इस पीसी बिल्ड में यहां पर यूज करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं गाइस, बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी अगर कोई ऐसी कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा, 7011805001। इस नंबर पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एंड हमारी वेबसाइट भी है जो कि modexcomputers.com, वहां पर आपको प्रीबिल्ट पीसी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंगल कंपोनेंट्स बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको जो है कस्टम पीसी बिल्ड करने का अपने हिसाब से वहां पर एक पूरा कॉन्फ़िगरेटर मिल जाता है। आप अपने हिसाब से वहां पर जो डायरेक्टली कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके सीधा वेबसाइट से भी अपने जो है ऑर्डर को प्लेस वहां पर कर सकते हो। और जो हमारे प्रवीण भाई हैं, इन्होंने भी जो है वेबसाइट से अपना जो है पीसी बुक किया था। आप क्या कर सकते हो, आपको जाना है वेबसाइट के ऊपर, अपने पार्ट्स को सिलेक्ट करके ना आप 10% में अपनी पीसी की बुकिंग कर सकते हो। चेकआउट वाले पेज पे जो आपको पे ओनली 10% का ऑप्शन वहां पर देखने को मिल जाता है। अब जैसे हमारे प्रवीण भाई का भी जो 5,85,000 का पूरा पीसी बैठा था, तो उन्होंने 10% की पेमेंट जो वेबसाइट से कर दी थी, जो कि उनकी थी लगभग 58,500, तो उसके आसपास में उन्होंने जो है 10% पे करके अपने पीसी की बुकिंग करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी जो है वेबसाइट से डायरेक्टली पीसी बुक कर सकते हो। बाकी नेहरू प्लेस के अंदर हमारा जो ऑफलाइन स्टोर भी आपको देखने को मिल जाएगा, 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग, यहां पर आप लोग आ सकते हैं एंड ऑफलाइन भी आकर के आप अपने पीसी बिल्ड करा सकते हो डायरेक्टली हमारे स्टोर पर आकर के। तो जो हमारा ऑफलाइन स्टोर है उसकी जो गूगल लोकेशन लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही हमारी वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग डेफिनेटली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऑफलाइन स्टोर को विजिट कर सकते हो। अब गाइस बातें हमने जो यहां पर काफी ज्यादा कर ली है, फटाफट से बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हम लोग इस जबरदस्त पीसी बिल्ड में यहां पर यूज करने वाले। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बात करते हुए, कहने की जरूरत है क्या, जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो i9 तो जरूर लगेगा ना। तो इसके अंदर हम लोग यहां पर यूज करने वाले इंटेल की तरफ से कोर i9 3900K प्रोसेसर, जबरदस्त सीपीयू, 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स के साथ में आने वाला एकदम बीस्ट लेवल का सीपीयू है एंड एकदम जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस आपको यहां पर देता है। स्पेशली अगर आपका प्रोडक्टिविटी का जो है वर्कलोड है, आपको एक अच्छी मल्टीकोर परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके अंदर एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस ये सीपीयू अपने साथ में लेकर के आता है। एंड इसका बॉक्स भी देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा होता है। तो इस प्रोसेसर का हम लोग इस पीसी बोर्ड में यहां पर यूज करने वाले हैं। बात करते हैं यहां पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, वैसे मैं आपको बता देता हूं, इस पीसी को जो है व्हाइट थीम बनाने की कोशिश की गई है, जितना हो सकता था इसको व्हाइट थीम करा गया है, तो इसलिए मदरबोर्ड भी हमको जो है व्हाइट थीम यहां पर चाहिए था। तो मदरबोर्ड जो हम लोग यहां पर यूज करने हैं ये आ जाता है गीगाबाइट की तरफ से, उनका Z690 Aero D, एंड ये DDR5 मदरबोर्ड है जिसके के अंदर आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। काफी हैवी बोर्ड है भाई साहब, उठाने में भी जो है मतलब 2.5 किलो का हाथ चाहिए इसको उठाने के लिए, बहुत ही भारी मदरबोर्ड है। और ये मतलब इसके अंदर ना आपको काफी हद तक जो हीट सिंक का आपको जो देखने को मिलती है VRM सेक्शन के ऊपर या फिर जो ओवरऑल पूरा मदरबोर्ड है वो काफी वाइट थीम रहता है, तो इस पूरी थीम को जो है कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये मदरबोर्ड यहाँ पर चलेगा। एंड ऑब्वियसली जो VRM सेक्शन है वो इसके अंदर जो हमें काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे 3900K प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहाँ पर ये हैंडल कर लेगा। अब भैया i9 यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो लिक्विड कूलर्स के साथ में पेयर करा गया है वो इस तरीके से करा गया है कि मतलब दिखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि इस पीसी को खूबसूरत भी बनाना है, वाइट थीम भी बनाना है और एक ऐसा लिक्विड कूलर यूज करना है जो कि 3900K को जो यहाँ पर ये हैंडल कर ले। तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं लियानली की तरफ से उनका गैलहेड AIO 360 एंड दिस इज SL फैन एडिशन। इसके अंदर जो SL फैंस है वो वाला एडिशन है ये, एक इसमें ST वाला वर्जन आता है, एक SL वाला आता है, तो SL वाला वर्जन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है यार यहाँ पर देखने में। एंड हमारे 3900K प्रोसेसर को अच्छी तरीके से लिक्विड कूलर यहाँ पर ये हैंडल कर लेगा। एंड जो ओवरऑल पूरे पीसी के अंदर भी जो हम लोग जो फैंस वगैरह यहाँ पर यूज करेंगे सारे SL एडिशन के ही यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसलिए SL एडिशन वाला हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर हमारी रैम के बारे में, रैम टोटल इस पीसी के अंदर हम लोग 1, 2, 3 एंड 4
टोटल हम लोग जो है यहाँ पर 64 GB रैम का यूज करने वाले, 16 GB की चार स्टिक्स, ये है DDR5 लैंसर RGB जो कि XPG की तरफ से, एंड ये व्हाइट वाले वर्जन में जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस पर इमेज भी बन रही है यहाँ पर व्हाइट कलर की, एंड 5200 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ये सभी रैम स्टिक्स जो यहाँ पर क्लॉक्ड है, जो कि एकदम परफेक्ट रहेगी हमारे पीसी बिल्ड के हिसाब से। चाहे उनका कोई भी वर्कलोड होगा, 64 GB विल बी मोर देन इनफ, चाहे गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, या फिर एडिटिंग, या फिर कुछ भी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड उनको कोई भी वर्कलोड यहाँ पर अगर करना हो तो। ठीक है, तो रैम के बारे में आपको बता दिया है, सारी चीजें आपको बता दी है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जो कि मेन चीज है, जो कि मतलब सबसे ज्यादा बजट खा जाता है किसी भी पीसी बिल्ड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं Zotac की तरफ से उनका RTX 4090, एंड दिस इज एरो एक्सट्रीम वाला वर्जन, मतलब इससे ऊपर Zotac में कुछ नहीं आता। Zotac का ये जो है सबसे मतलब महंगा वाला कार्ड है, जो कि उनकी एरो एक्सट्रीम सीरीज के अंदर आ जाता है RTX 4090। बाकी RTX 4090 के बारे में शायद मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कितना बीस्ट लेवल का यार ये कार्ड है। अगर आपको 4K पर 100 FPS की गेमिंग करनी है, मतलब 4K पर आपको हर एक गेम में इंश्योर करना हो कि आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग हो जाए, तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको करा के देगा, एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस पूरे पीसी को यहाँ पर व्हाइट थीम में करना चाह रहे हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है 4090 के अंदर, उसमें से यही एक इकलौता ऐसा कार्ड है Zotac में, जो इनकी ट्रिनिटी है या फिर जो इनकी एम्प एक्सट्रीम सीरीज है, ये थोड़ी सिल्वरिश काइंड ऑफ कलर में आती है, जो कि व्हाइट थीम को जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करती हुई चलती है। वैसे तो यार गीगाबाइट के अंदर भी आता है 4090, उनका एरो में आता है, एक एसूस में भी आता है, बट अभी फिलहाल जो है इंडिया के अंदर वो अभी ढंग से जो अवेलेबल नहीं है, तो अभी फिलहाल जो है यही कार्ड ढंग से मिल पा रहा है, जो कि व्हाइट थीम के हिसाब से एकदम अच्छा जो है लगे पीसी के अंदर जब लगे। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कि 3900K के साथ में पेयर कर रहे हैं, तो भाई साहब कोई भी वर्कलोड डालो आप इसके ऊपर, एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज भी इस पीसी के अंदर हम लोग जो है काफी जबरदस्त यूज करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं हमारी SSD के बारे में। सैमसंग की 980 प्रो की 2TB की M.2 NVMe SSD का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले। 2TB भाई अच्छी खासी होगी, विंडोज डालने के बाद भी जो मन करे वो इसके अंदर इंस्टॉल करो, 2TB की स्टोरेज जो है NVMe में वो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले। बाकी अलग से हार्ड ड्राइव का भी यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कि है 4TB की WD ब्लू, एंड तो 4TB की हार्ड ड्राइव हो गई, 2TB की SSD हो गई, टोटल जो है हमें यहाँ पर 6TB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो कि एकदम इनसेन अमाउंट ऑफ स्टोरेज है कुछ भी यहाँ पर स्टोर करने के लिए पीसी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, रुको मैं पहले ही सारी चीजें नीचे रख दो। पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पर जो है यूज करने वाले हैं ATX 3.2 स्टैंडर्ड कूलर मास्टर की तरफ से उनकी MWE गोल्ड V2 1250 वॉट की फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई, काफ़ी महंगी भी आती है ये, एंड ATX 3.2 स्टैंडर्ड के साथ में आती है। इसके अंदर जो आपको PCIe Gen 5 जो कनेक्टर है ना 12 पिन वाला, वो आपको जो इसके अंदर यहाँ पर अंदर ही इसके देखने को मिल जाता है, जो कि 4090 वाला जो कार्ड है, जो मतलब 40 सीरीज के कार्ड है, उसमें आपने देखा होगा 12 पिन वाला जो कनेक्टर लगता है NVIDIA का, वो नया वाला, वो आपको जो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आप डायरेक्टली लगाएं और अपने जो है कार्ड को उससे रन करें, वरना क्या होता है कि वो डोंगल लगाना पड़ता है, जो कि आपके 12 पिन 2, 3 या फिर 4, 8 पिन में बनता है, और वो काफ़ी मोटा सा हो जाता है, काफ़ी शैबी लगता है, वो अच्छा भी नहीं लगता देखने में। एंड ये पावर सप्लाई बनी भी उस हिसाब से, उसके मेल्टिंग वाले जो इश्यूज आ रहे थे वो भी जो है सारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, तो ये पावर सप्लाई एकदम परफेक्ट रहेगी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए 1250 वॉट की पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम अब जैसे NVIDIA ने यहाँ पर अपना कनेक्टर चेंज कर दिया, 12 पिन वाला उसको कर दिया है, तो इसलिए ना जो स्ट्रीमर केबल होती है, जो लियानली की स्ट्रीमर केबल होती है RGB वाली, वो हम वहाँ पर जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कार्ड के लिए तो कोई भी RGB कस्टम स्लीप केबल्स का हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है मदरबोर्ड के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, तो इसलिए मदरबोर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर लियानली की स्ट्रीमर प्लस V2 जो ये इनकी जो कस्टम केबल्स होती है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि PC में जो लुक है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर निकल के आ पाए। ठीक है गाइस, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, अब फैंस और कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं गाइस कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लियानली की तरफ से उनकी O11 डायनेमिक ईवो वाला वर्जन हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करने वाले हैं, व्हाइट वाले वर्जन में। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाइट थीम में बना रहे हैं पीसी को, तो इसलिए व्हाइट वाला वर्जन इसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो इनकी ईवो सीरीज आती है, ये मतलब प्रॉपर दिखने में वाइट होती है, सामने से, आगे से, पीछे से, अंदर से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से एकदम सफेद और एकदम बढ़िया। मतलब अगर किसी को व्हाइट थीम में कैबिनेट चाहिए हो ना O11 सीरीज के अंदर, तो आप ईवो सीरीज के साथ में जाओ, एकदम बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। बाकी इसमें फैंस तो मिलते नहीं है, फैंस अलग से लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए फैन हम लोग यहाँ पर जो है लियानली के यूनी फैन SL
120 V2 वाले जो वर्जन के फैंस हैं, ये हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। टोटल तीन किट का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, एक आ गए नीचे, एक आ गए साइड में। अब आप कहोगे ऊपर तो रेडिएटर आ जाएगा तो वहां पे कैसे लगाओगे, तो जी वहां पर तो हम पुश पुल करने वाले हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर स्पेसिंग का कुछ इशू आएगा तो हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो इफ एंड बट वाली बात चल रही है अभी यहां पर, अगर स्पेस अच्छी रही ऊपर, अगर रेडिएटर के साथ में हम पुश पुल अगर कर पाए तो पुश पुल में लगा देंगे, वरना हटा देंगे किट को, ठीक है। बाकी देखो अभी जितने मैंने कंपोनेंट्स आपको बताया है ना, इमेजिन कर रहा हूँ अगर मैं जब ये पीसी बनेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि सारे एसएल एडिशन फैन हो जाएंगे, लिक्विड कूलर भी एसएल एडिशन में है, तो दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। तो अब मैं तो भाई वेट नहीं कर सकता इस पीसी को बनाने के लिए। बातें हमने जो यहाँ पर काफ़ी सारी कर ली है, तो अब जल्दी से इस पीसी को बिल्ड करना शुरू करते हैं। सो गाइस, पीसी हमारा फाइनली यहां पर बिल्ड हो चुका है, एंड देख सकते हो क्या जबरदस्त लुक यहां पर निकल करके आ रहा है। एंड ये जो एसएल एडिशन फैंस हैं, यही है मतलब जो कि इसमें काफी जबरदस्त लुक यहां पर निकाल करके दे रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हम टॉप पर जो है यहां पर रेडिएटर के साथ में पुश पुल करेंगे, अगर लग गया तो कर देंगे, जो कि हमारा मतलब सक्सेसफुली इसमें लग ही किया अच्छी तरीके से यहां पर। एंड स्पेसिंग भी देख सकते हो काफी अच्छी खासी फिर भी हमें यहां पर देखने को मिल जाती है। और पुश पुल करने के बाद ये जो ऊपर और नीचे जो एसएल एडिशन के फैन लगे हैं, भाई साहब मतलब प्रोसेसर को तो ठंडा रखने में काफ़ी हेल्प करेंगे ही करेंगे, बाकी लुक्स वाइज भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पर देखने में। तो देख सकते हो ओवरऑल जो पूरे पीसी का लुक है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और जो 4090 हमारे Zotac का, इसके अंदर देख सकते हो RGB हमें अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये भी यार काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। बाकी यार देखो कार्ड काफ़ी भारी होता है, तो इसी कार्ड के साथ में ना हमें यहाँ पर ये GPU का सपोर्ट ब्रैकेट मिलता है, तो इसी को हम लोगों ने जो है यहाँ पर लगा रखा है ताकि कार्ड जो है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सैग ना करे। सो गाइस, ये तो मैंने आपको दिखा दिया हमारे प्रवीण भाई का पीसी। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने जो है पेरिफेरल्स भी लिए हैं, जो कि उसी 6 लाख के अंदर में आते हैं। 5,85,000 का तो वैसे टोटल था इनका, जिसमें से कि 4.3 लाख का तो सिर्फ पीसी है। इसके अलावा जो इनके मॉनिटर है, जो इनका पेरिफेरल्स है, वो काफी जबरदस्त है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं एंड दिखाता हूं इनका मॉनिटर। गाइस, ये है इनका मॉनिटर, ये है सैमसंग का ओडिसी G9। एंड देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है। अभी जो है इसके अंदर हम लोगों ने स्पाइडरमैन का गेम प्ले चला रखा है यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई ये मॉनिटर जो अपने साथ में कैसी फील लेकर के आता है। 49 इंचेस का ये मॉनिटर है, जो कि 2K 240Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पर आता है। मतलब समझ रहे हो, 2K रेजोल्यूशन और उसमें भी 240Hz, तो 4090 का फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा इस मॉनिटर के साथ में। बाकी हालांकि अब काफ़ी सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई 4K होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट आप वो भी तो देखो कि 2K के साथ में आपको 240Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और इतना बड़ा मॉनिटर, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, 49 इंचेस को छोटा साइज नहीं होता, बहुत बड़ा साइज होता है जब आप इसके सामने बैठोगे। आई डोंट नो आप वीडियो के अंदर जो है कितना जज कर पा रहे हो इस मॉनिटर को, बट ये एक्चुअली में बहुत ही मैसिव मॉनिटर है। मेरे को देखो, मैं अगर इसके पूरे पीछे खड़ा होकर ऐसे हाथ फैलाता हूँ तो इतना बड़ा मॉनिटर है ये। बाकी इसके साथ में जो मैंने बैठ के थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह करके देखी, भाई साहब एकदम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है इस मॉनिटर के साथ में। बाकी इन्होंने और भी पेरिफेरल्स लिए हैं, ये मैं आपको जो है यहाँ पर डिटेल में दिखाता हूँ। ये तो हो गया इनका मॉनिटर, बाकी इसके अलावा जो इन्होंने पेरिफेरल्स में लिए हैं वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। शुरुआत करते हैं इनके कीबोर्ड से। कीबोर्ड इन्होंने यहाँ पर जो लिया है, ये है XPG का समनर RGB गेमिंग कीबोर्ड, जो कि एकदम काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने इसका जो है अपने दूसरे चैनल के ऊपर एक बार इसका रिव्यू भी किया था। ये Cherry MX के ब्लू स्विचेस के साथ में आता है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये कीबोर्ड से। इसकी जो मतलब पूरी फील रहती है, इसके साथ में हमें यहाँ पर जो है रिस्ट सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट रहता है। बाकी इसके अंदर हमें यहाँ पर जो है वॉल्यूम कंट्रोलर वगैरह, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया कीबोर्ड है। बाकी इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पर हेडसेट लिया है, ये आ जाता है कॉजिंग बाइट की तरफ से क्रोनोस, एंड ये वायरलेस गेमिंग हेडसेट है, जो कि मतलब इसका भी मैंने अपने जो है दूसरे वाले चैनल के ऊपर रिव्यू करा था, ये भी यार काफ़ी बढ़िया है। एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो ये हमें फीचर्स देता है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड इसकी जो मतलब ओवरऑल क्वालिटी रहती है वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है। बाकी माउस के बारे में बात करते हैं, माउस भी इन्होंने जो है यहाँ पर वायरलेस गेमिंग माउस लिया है। ये है Logitech का G542 लाइट स्पीड वायरलेस गेमिंग माउस,
जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी आता है एंड ओवरऑल क्वालिटी वाइज भी जो है काफ़ी बढ़िया रहता है। बाकी इसके अलावा जो इनका माउस पैड है, अब सारी चीज़ों का भाई सिर्फ माउस पैड ही रह गया तो वो भी क्यों छोड़ देते, तो माउस पैड भी लिया इन्होंने। ये आ जाता है रेजर की तरफ से उनका जाइगेंटस V2 सॉफ्ट गेमिंग माउस मैट। तो ये मतलब डबल एक्सेल वाले साइज में आता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशनड भी है डबल एक्सेल, तो मतलब काफ़ी बड़ा माउस पैड है जिसके अंदर आपके कीबोर्ड एंड माउस बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाते हैं, तब भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस जो इसके अंदर बच जाती है। सो ये हो गए इनके सारे पेरिफेरल्स जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। बस तो गाइस यही था हमारे प्रवीण भाई का पूरा सेटअप जो कि था अंडर ₹6 लाख। आपको कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस मॉनिटर की हम लोगों ने डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग वीडियो भी शूट करी है, जो कि इस वीडियो के डलने के अगली वाली जो वीडियो होगी वो डेडिकेटेड इसी मॉनिटर के ऊपर हम लोगों ने बनाई है। तो डिटेल में अगर इस मॉनिटर को देखना हो तो उस वीडियो का वेट करना, ठीक है। बाकी यही सब कुछ था इस वीडियो के अंदर, आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पूरा सेटअप कैसा लगा और आपके पास अगर 6 लाख रुपए होते तो आप कैसा सेटअप बनाते वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी कमाल का पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर फिर से आपको बता देते नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर पर आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बाकी हमारी वेबसाइट जो है वो है modexcommunities.com, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डायरेक्टली वहां से भी जाकर के आप लोग बाय कर सकते हो। नेहरू प्लेस के ऑफलाइन स्टोर की जो गूगल लोकेशन लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। बस तो गाइस मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी वर्ल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।